कल्पना प्योर वेज रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स कवर्धा की प्रसिद्ध मिठाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान अमित लॉज बिल्डिंग बस स्टैंड के पास राजनांदगांव रोड कवर्धा। बड़ी खबर कवर्धा से आ रही है, जहां भाजपा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सिग्नल चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पुलिस की झुमाझपटी भी हुई। वहीं पुलिस मौके पर जलते पुतले पर पानी डालकर बुझाने का काम करते हुए दिखाई दिए। आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के आगमन पर रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाने के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा के सिग्नल चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। पुतला दहन के मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं जिला अध्यक्ष पीयूष ठाकुर ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतंत्र को जेब में रखकर घूमना चाहती है और जो कोई भी उनके गलत नीतियों का विरोध करता है उनको पुलिस की सहायता से गिरफ्तार करवा लिया जाता है। ऐसे ही भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा के सिग्नल चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इसी के चलते जब राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो उनसे जब मांग करने जा रहे थे हमारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अमित साहू जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में लोकतंत्र की ये दुहाई देते हैं और ये लोकतंत्र को अपने जेब में रखने का काम करते हैं कांग्रेस के पार्टी के लोग। हमने इस कारण राहुल गांधी का पुतला दहन किया।